श्रद्धा को मर्डर करने के बाद भी आफ्ताब को गम नहीं, फांसी हुई तो गम नहीं। आफ्ताब ने कहा जन्नत में मिलेगी हूर। 35 टुकड़े करने वाले का दिमाग हिलाने वाला बयान इस बार पुलिस को दिया है। बयान से आफ्ताब की कट्टर मानसिकता के जो मानसिकता है वो सामने आई है। आफ्ताब ने बताया है पुलिस को वो साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा रहा था। वो श्रद्धा के अलावा कुछ भी अन्य हिंदू लड़कियों के वो संपर्क में था। श्रद्धा जैसे करीब 20 हिंदू लड़कियों से वो शारीरिक संपर्क जो है वो बना चुका था। वही आफ्ताब श्रद्धा के शव की 13 हड्डियां वो बरामद कर चुके हैं पुलिस। आज श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को कड़ी कामयाबी हाथ लगी। वही आफ्ताब की जो निशानदेही पर पुलिस को शव का जबरा भी मिल चुका है। बता दें गुरुग्राम से श्रद्धा के जो शव है कई सारे टुकड़े बरामद किए गए हैं। वही बाथरूम में, किचन और बेडरूम में खून के धब्बे मिले हैं। अब तक श्रद्धा के शव के 13 हड्डियां मिल चुके हैं। वही अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट जो अंबेडकर अस्पताल में 1 दिसंबर को होना है, वही बता दे साकेत कोर्ट ने नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दी है। एक पुलिस अधिकारी ने यह बताया कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने कुछ ऐसे सच बताए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। आफ्ताब के टारगेट में केवल हिंदू लड़कियां थी। वो बंबल डेटिंग ऐप के जरिए केवल हिंदू लड़कियों को सर्च करता था और चैट के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने जिस साइकोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर को अपने फ्लैट पर बुलाया था वो भी एक हिंदू थी। इस डॉक्टर को आफ्ताब ने श्रद्धा की अंगूठी गिफ्ट की थी और इस डॉक्टर के अलावा और कई सारी हिंदू लड़कियों के साथ भी आफ्ताब के शारीरिक संबंध थे।